नमस्कार। तो कल शाम को यूपी का रिजल्ट भी आ गया था और जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कल सुबह वो थोड़ा सा लेट था, मैं जानता हूँ, लेकिन पर्पस मेरा वही था कि रिजल्ट आने के पहले बता दूँ। वैसे बताना था मुझे 4 दिन 6 दिन पहले चाहिए था जब मेरिट लिस्ट आई थी, और आप जानते हैं प्रेडिक्शंस मोटा मोटी मेरी ठीक ही रहती हैं, और उसका कारण बहुत सिंपल होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि सिर्फ नंबर्स देख के, आई एम नॉट जस्ट एन MBBS कंसल्टेंट और काउंसलर, और कुछ लोग एजेंट भी बोलते हैं। ब्रॉडली माई बैकग्राउंड हेल्प्स मी टू फिगर आउट थिंग्स एंड डेटा देखना, डेटा को एक्सट्रपोलेट करना, और 100 हमारे फुल टाइम क्लाइंट, 200 से ज़्यादा मैंने लोगों से बात की होगी जो हमारी 3 महीने पहले 5,000 वाली 2,500 वाली कॉल लेते थे। तो आपको 300 लोगों से बात करके एक ना परसेप्शन, एक आइडिया लग जाता है, और कुछ कुछ चीज़ें कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस सबसे बड़ी यूपी के केस में ये है बजट। तो कट ऑफ्स तो मैं आपको बता देता हूँ राउंड वन की, और मतलब फिर से आम इंसान कह रहे हैं कि बहुत गिरेगी, फिर मैं वो लास्ट में बता दूंगा क्या होने वाला है राउंड टू में या फ्यूचर राउंड्स में। तो डेफिनेटली इस बार हमेशा की तरह शारदा ने बीट कर दिया श्रीराम मूर्ति बरेली को, और मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कारण प्योर क्वालिटी नहीं है। आज ही मेरी नज़रों में शारदा यूपी के संदर्भ में टॉप 5 में भी शायद नहीं आएगा, बट मैंने आप लोगों को एक बार समझाया कि वो जो दिल्ली के आसपास लोग रहते हैं, शुरू से दिल्ली आइट्स, कोई दिल्ली का रहने वाला है जिसके 605-610 नंबर आए हैं, तो उनके पास एक बजट में यही विकल्प होता है। तो ये जो सारी रेंज होती है 600 से 630 वाली, जिन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, दिल्ली के पास ही बच्चे को रखना है, और सबसे सस्ता कॉलेज भी बजट में 70 लाख के बजट में शारदा। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट शारदा का बजट 596 कट ऑफ गई। श्रीराम मूर्ति ग्रेट कॉलेज 579, दोनों नेक्स्ट पे आया था भाई हिंद बाराबंकी 576, हिंद सीतापुर 556, मुजफ्फरनगर 551 जो लास्ट ईयर 420 था। तो भाई 100-125 नंबर जो हमने देखी पहले जब रैंक आई थी तो मैंने बोला था कि 50 नंबर से आगे जाएगा, 100 नंबर से जब मैंने कहा था कि 230 के बदले जब 320 पे मिलेगी सीट सस्ती वाली, फिर 4 कॉलेज खुले तो अपन ने 300 करा था और वो 350 हुआ, तो अनदर फैक्टर। तो मोटा मोटी 100-125 नंबर का फ़र्क पड़ा है उस हिसाब से रैंक्स का। KT मथुरा भी 530 पे ख़त्म हो गया, रॉयल लखन बरेली 510, फिर से देखिए नोएडा इंटरनेशनल को 507 कट ऑफ मिलती है, अगेन बिकॉज ऑफ प्योर लोकेशन। मेरी यूपी क्वालिटी की लिस्ट में ये हमेशा टॉप 14 में नहीं आता, तो फिलहाल इसको हम हटा दें। और सरस्वती हापुड़ को भी एग्जिट 499 मिल गया, रामा हापुड़ 497, और यूनाइटेड प्रयागराज 487, GS हापुड़ 470, हेरिटेज 466, और फिर रामा हापुड़ समझ लीजिए 458। तो अगर हम इन टॉप कॉलेजेस की बात करें दिल्ली के, मतलब कि वैसे मैं नोएडा इंटरनेशनल को छोड़ के बाकी 13 को बोलता हूँ, मैं अब नॉन मेनल्टी की बात कर रहा हूँ, तो जो मेरी लिस्ट में हमेशा टॉप 13 कॉलेज आते हैं जो एक तरह से ठीक कॉलेज हैं, पेशेंट फ्लो भी है, इंफ्रा भी है, सब कुछ है, तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना था तो कम से कम इस बार 458 मार्क्स लगे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट चालू हो जाती है मेरी, जिसमें हम कहते हैं काम चलाओ कॉलेज, जिसमें वो नॉर्डन ट्रैशल आ जाएगा जिसने 507 कट ऑफ ले रखी है, और फिर जो नेक्स्ट रेंज ऑफ कॉलेजेस आते हैं, आई एम हैप्पी कि लोगों को भी समझ में आया कि वरुण अर्जुन इज़ बेटर देन मैनी अदर्स। NCR को लोकेशन का फ़ायदा होता है तो वो 441 कट ऑफ खींच गया आफ्टर रामा हापुड़। गोरखनाथ जी सीधा ही 448 खींच गए और काफ़ी कॉलेजों से आगे निकल गए, अगेन लोगों को समझ में आ गया कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के मठ का अगर कॉलेज है तो अच्छा ही चलेगा। उसके बाद वही लखनऊ के सारे मिश्रा प्रसाद मायो 427, 423, 418 जिनके वो सब मिस हो गए। वरुण अर्जुन जैसा मैंने कहा 383 पे गिरा, कृष्णा मोहन मथुरा भी 408, उसके बाद नारायणा कानपुर भी 382, वेंकटेश्वरा गजरौला 378, SKS मथुरा 376, सरस्वती उन्नाव जैसे कॉलेज जैसे अक्सर मैं कॉलेज के नाम से बोलता भी नहीं हूँ 366, अजय संघाल नया कॉलेज 361, और उसके बाद संभल 359, और लास्ट में 353। एंड कमाल की बात यह है कि लोगों को समझ में आ गया राजश्री के बारे में, और राजश्री की कट ऑफ इस बार लोएस्ट गई है। तो जो कमाल की बात है वो यही है कि एक बार मैं चेक कर लूँ कि टीम ने बनाया, क्योंकि मैं तो उसको नीचे मानता हूँ, लेकिन राजश्री बरेली की कट ऑफ जो है
आर 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 आर, वो इस समय मुझे जो दिख रही है वो मुझे लोएस्ट नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट डबल चेक कि वो सच है कि नहीं है। तो नहीं, कोई टीम के डेटा में गड़बड़ हुई है, क्योंकि 400,000 रैंक है तो राष्ट्रीय कट ऑफ ऊपर ही रही होगी। राष्ट्रीय कट ऑफ अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो वो 388 जैसा कि मैंने कहा ऊपर, वो कुछ 388 का कट ऑफ लिया उसने भी। तो जो लोएस्ट कट ऑफ है वो डेफिनेटली 353 जो कि KMC महाराजगंज है। तो 353 नंबर के नीचे किसी को भी लो कॉस्ट कॉलेज UP में नहीं मिला। मैंने शायद कल 370 बोला था, तो 17 नंबर का ज़्यादा मैंने टाइट कर दिया था, पर 353 रहा। और फिर हम मैनल्टीज़ में आ जाते हैं, और चूंकि फ़िलहाल लोगों को पता नहीं था तो सुभारती में कट ऑफ जो नॉन मैनल्टी बच्चे हैं उनका 521 गया है, और जो मैनल्टी स्टूडेंट्स हैं एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट, जिन्होंने बुद्ध मैनल्टी सर्टिफिकेट बनवा लिया था या जिनके पास था, अभी अलॉटमेंट भी पूरी नहीं हुई है और 12,00,000 रैंक पर मिल गया। दैट मीन्स जिसने भी UP का बुद्धिस्ट मैनल्टी अटैम्प्ट करा, 22 बच्चे सिर्फ 100 में से अभी 80 बचे हुए हैं और उनको सीट मिल गई है 12,63,000 रैंक पर भी, या शुड आई से किसी भी नंबर पर, बहुत कम 12,63,000 का तो मतलब जस्ट क्वालिफाई हो गया। तो 145 नंबर पे सुभारती मिल गया अगर आपके पास बुद्धिस्ट मैनल्टी सर्टिफिकेट है। और इसी बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने फ़िलहाल यूपी नीट रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं करा वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। आप हमारा नंबर जानते ही हैं, 9643362320। स्पेशली वो लोग जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा, एंड वी कैन गाइड देम कि आप कैसे बुद्धिस्ट मैनल्टी सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है और फिर आप सुभारती की सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, प्रोवाइडेड आपके नंबर सॉरी आप 1,10,00,000 तक का बजट आराम से खर्च कर सकते हो। तो सुभारती काफ़ी गिरा है। उसके बाद तीर्थांकर महावीर नॉर्मल 405, और फिर से वही जैन मैनल्टी 186 मिली जाता है। एरा नॉर्मल सीट्स 404, मुस्लिम मैनल्टी 350, इंटीग्रल नॉर्मल सीट्स भी 349 चली गई हैं, मुस्लिम मैनल्टी भी 301 है, करियर नॉर्मल सीट्स भी 332 चली गई हैं, FH की भी नॉर्मल सीट्स 328 और मुस्लिम मैनल्टी 239। तो इन समरी लोएस्ट नंबर पे जो सीट मिली है वो सुभारती बुद्ध मैनल्टी के अंदर मिली है, जो कि एक्चुअली 145 मार्क्स पे भी मिल गई है जो लोग क्वालिफाइड हैं, और 145 का तो मतलब वही हो गया कैटेगरी क्वालिफाइड। उसके अलावा मुस्लिम मैनल्टी 145 के बाद जो नेक्स्ट है कट ऑफ वो है FH आगरा में मुस्लिम मैनल्टी 239 मार्क्स। लास्ट ईयर तक हम मान के चलते थे कि ये सीट सबको मिल जाती है, उसके बाद और अगर आप मैनल्टी हटा दो जो ये एडवांटेज है, तो सोचिए लोएस्ट पॉसिबल सीट ही, फॉरगेट अबाउट सस्ता, इस 328 FH आगरा। 328 मतलब कि अगर आप कोई भी मैनल्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जैन बुद्धिस्ट या मुस्लिम, यूपी में कोई भी सीट चाहिए थी तो कम से कम 328 नंबर चाहिए थे इन FH आगरा। मतलब कि आप नॉन मैनल्टी हैं बट मैनल्टी में सीट ले रहे हैं, और वैसे अगर आप थे तो 353। तो कल मैंने वीडियो में आपको ये बताया था, शायद 353 को मैंने 370 कहा था, और ये मैंने कहा था कि मैनल्टी भी आपको 315-320 के नीचे नहीं मिलेगी, तो 328 पे गया है। कारण बहुत सिंपल है, देखिए इसमें फिर से आपको पैनिक मत कीजिए, ऐसी बात नहीं है कि 270-280 वाले को सीट नहीं मिलेगी। वही मैंने कहा था कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था 3 महीने पहले ही, जब पहली बार रैंक्स आई थी, कि भाई इस बार 225 नंबर पे नॉर्थ इंडिया में कोई सीट नहीं है, उससे गलती हुई, एक्चुअली वो फिगर अब 325 की निकली है। पर ऐसी बात नहीं है, आई थिंक हरियाणा के जो कुछ कॉलेज हो गए वो हमें 310-320 पे स्पेशली झज्जर और NC मिलने की उम्मीद है नेक्स्ट राउंड में। लॉजिक बड़ा सिंपल है, देखिए ये ना लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं, तो सभी को पता है ना, कि आपको हमको तो पता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के पीछे तो लोग इसलिए भागते हैं, और जो अब उत्तर प्रदेश मिस कर जाएंगे आप, वो बजट बढ़ाएंगे, वही जो मैंने बोला 280-270 से लेके 320 मार्क्स वाले, एंड दे विल लाइक टू गो टू यू नो 1,00,000 बजट ऑफ MAB सोलन। और इसी वजह से ही गौतम बुद्ध ने भी सीधा 1,15,00,000 अपनी फीस कर दी थी इस साल,
उत्तराखंड वाले ने, कि उसको पता है कि देने वाले लोग हैं। एंड अगेन फॉर आवर क्लाइंट्स जो हमारे स्कोर के रेंज में थे, हमने सभी को बिहार पहले भरवा दिया था, और बिहार में आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही गया है इवन एट लो मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम रहता है, वहाँ पर बजट आपका 80-90 में फिर भी काम हो जाता है। और आप लोगों के लिए टिप ये है कि अगर आप 1 CR तक बजट ही है, 1.05 तक, तो आप बंगाल देख सकते हैं। बिहार का बेटर ये रहता है कि वहाँ बैंक गारंटी का चक्कर नहीं है, बंगाल में आपको बैंक गारंटी मैनेज करनी पड़ती है। जो मैंने कल की वीडियो में कहा था, 24 नंबर के रेंज के बच्चे हैं, लो बजट वाले हैं, दे शुड हैव बैकअप प्लान फॉर नेपाल और एनी अदर स्टडी अब्रॉड कंट्री। अगर MBBS कंटिन्यू करना है या दूसरे विकल्प भी आप सोच सकते हैं। अब UP सेकेंड राउंड देखिए, जो भाई जो पहले 13-14 कॉलेज हैं, और चूँकि उनका बजट भी लो है और सब कुछ अच्छा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको छोड़ के कोई कहाँ ही जाएगा। तो रामा, हापुड़, एक्सेट्रा जो मिल रहे हैं, जहाँ तक वो कॉलेज हैं, तो 450 मार्क्स वाले बच्चों को और क्या ही मिलेगा नॉर्थ में बजट में, क्योंकि गुरु रामराय वगैरह तो 1,20,00,000 जाता है ना। तो इनमें कोई बच्चा सीट छोड़ेगा उसकी उम्मीद बहुत कम है। अब आप लो मार्क्स पे आ जाओ, 360-370 वाले, उनको अगर मिला हुआ समय लेट से मिश्रा, राश्री या प्रसाद, वो भी कहाँ जाएंगे 423-415। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज के रूप में, चलो आप आदेश हरियाणा के बारे में सोच सकते हो, इन नेक्स्ट राउंड में गिरेगा, 85,00,000 आपके खर्च कराएगा, उसके बाद तो जो भी आपने खर्च करना है वो 1 CR+ हो जाता है। तो बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वैसे जनरली राउंड टू में कट ऑफ पक्का सोलन की नीचे जाएंगी, हरियाणा के हर कॉलेज की नीचे जाएगी, आई कैन अश्योर यू, उत्तराखंड में नीचे जाएगी, नॉट इन UP, बिकॉज UP के अंदर एक बजट का फैक्टर भी प्ले करता है। इट इज़ अ लोएस्ट ऑप्शन इन इंडिया, सेम थिंग जो केरल और कर्नाटका में होती है, कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है वहाँ पर। तो चलो ये मान सकते हैं काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट भी जिनको मिलने वाला होगा और इसलिए वो छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, बट अदर देन दो किट्स बहुत मुश्किल है कि UP कट ऑफ बहुत गिरेंगी। तो आप ये भी मान के चलिए, ये जो जो सस्ता मैंने वो 353 बताया था, उसमें हो सकता है कुछ लोग हों जो बिल्कुल बजट को बढ़ा दें, जब वो सरस्वती उन्नाव टाइप के कॉलेज को शायद देखने जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं भी बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना, तो हो सकता है कि उस तो वी कैन से कॉलेज बाई कॉलेज शायद लोग छोड़ दें, उन्नाव को शायद छोड़ दें लोग या उसको छोड़ दें, पर उन्नाव की फ़िलहाल कट ऑफ तो 366 है। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि जो लो कॉस्ट जो 353 था, ये शायद गिर के 340 तक मैक्सिमम आ जाए, इसके नीचे उम्मीद मत कीजिए लो कॉस्ट में। सिमिलरली अगर किसी ने FH ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि वो राउंड टू में फ्रीज करके सोलन वगैरह भी देख लेगा, और देखिए इन सब मार्क्स पे आपको MCC में तो कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं नॉर्थ इंडिया में या हिंदी बेल्ट में, इवन एट 1.1 तक के बजट में ना, तो लोग छोड़ के जाएंगे कहाँ। तो आप बहुत उम्मीद मत करिए UP की कट ऑफ गिरने से, और जिनको UP में मिस हो गया और वो 2-3 नंबर से मिस हुए हैं, फिर तो बात अलग है। माइनॉरिटी का केस डिफरेंट होता है, उसमें चलो ये हो सकता है कि वही जिन्होंने ये माइनॉरिटी सीट ली है, अगर उनके पास अल्फला भी था तो वो अल्फला वर्सेस FH आगरा और करियर को कंपेयर करके दे विल टेक डिसीजन इन दिस राउंड, राइट। तो हो सकता है कि उसकी कुछ सीटें खुले, अल्फला वर्सेस इंटीग्रल मुस्लिम माइनॉरिटी में पीपल मेक अ चॉइस, 15-10 लाख के बजट का भी फ़र्क है लोकेशन को देख के, तो माइनॉरिटी कॉलेज में सीट पक्का खुल सकती हैं। अदर देन दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। और लास्ट में फिर से जिसने अभी UP का फॉर्म नहीं भरा था, और क्योंकि वो एडिड रजिस्ट्रेशन तो अलाउ करते नहीं है UP वाले, तो अब आप हो चुके हो नॉन बुद्धिस्ट, तो जो लोग भी बुद्धिस्ट क्लेम करना चाहते हैं और अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा सुभारती की सीट लेने का। हमने वही लेकिन पहले बताया था कि वही कीजिए, कर पाएगा जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है UP में, उसके लिए ही मौका रहेगा सुभारती की बुद्धिस्ट सीट लेने का राउंड टू में किसी भी नंबर पे। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।